सेना बैठी हुई है, अपने जादू चलाओ और ये सेना को पहले पत मानुष मिलाओ, फिर आगे के राह देखेंगे। ठीक है, मैं अपने जादू से इन्हें जरूर मानुष बनाऊंगी। गुजरी है वो हमारे ऊपर गुजरी है, नहीं तो तुम आ गए हो तो मैं देश बूंदी से अवश्य निकल चलूंगा। और चलो, हमारी सेना जितनी है सब छूट चुकी है, चल करके काम शाह के दरबार को घेर लेते हैं। मैंने तुमसे कहा था मुझे जान से मार दो, तुम्हारी इसी में भलाई है, अगर जीव छोड़ोगे तो किसी न किसी दिन सर तुम्हें डसेगा साले। अरे मजा तो चिखाई दे सूरज बादाम माटी कोई सूरज जब जब याद आवई दा हट गई सूरज हो। और इसका इसका बाप कहाँ है जो खींच कर ला साले को? और देख
कौन सा? अरे सूरत ऊपर परी केरे चली ना पायऊ ओ सूरत परो परी के ना पायऊ तुम्हारी अपन नर का जामा लूटा जाए दीना के सूरज तेरी इसी में भलाई है जिस काम के लिए मैं आया हूं तेरी हर गलतियों का गुनाह मैं माफ कर दूंगा क्योंकि मैं तेरी बहन का डोला लेने आया हूं और तिलका मौसी से मैंने कसम खा करके आया हूँ अगर तुम डोला देने के लिए तैयार हो जाओ तो तुम्हें जीवित छोड़ा जाएगा वरना साले यहाँ जिंदा जला दोगे आपस में विचार करेगा तो भी बताएंगे विचार साले करके आओ ना विचार साले इस तरफ से पहुंचाएंगे पिताजी कहा बेटा सूरत तुम्हारी राय क्या है हमारी राय क्या है हमारी राय तो कहती है गौना तो देना था इस लोगों को गौना दे दो कि साले वापस चले जाएंगे तुम तो कहते थे इस सब मेरी बेटी को मोहब्बत ले जाएंगे अब क्या हो गया अरे हो गया ये कोई हमारी कमी नहीं है मैं खुद आला को चिट्ठी दे दूंगा आला पढ़ लेंगे और हमारी तुम्हारी खता माफ कर देंगे खता माफ कर दो खता माफ कर दो अरे उधर भैया करके तू माफी मांग रहा है हमें और खता माफ करने के लायक नहीं हो खता माफ अरे आगे बढ़ो और बोलो राजन अरे आज सब लाए अरे आजू महबा सब लाए की हर नाल है दिल की तो आए और भैया उधर आज इसमें चिट्ठी में तो लिखा है इनकी कोई गलती नहीं है ये तो जो उरई के माहिल मामा है इसमें उनकी कसूर है क्योंकि ये राजा जो काम सा है ये हमारे तुम्हारे साथ में कुछ नहीं किया है क्योंकि चिट्ठी की वजह से है ये जाली चिट्ठी जो आई है ये चिट्ठी की तरकीब से तुम्हारे साथ में सलूकत नहीं और सूरज जाओ अपने बहन को गौना दे दो और हंसी खुशी से
मैं देश कलवट चला जाऊंगा। ओ पिताजी क्या बात है, ऐसा करो अपनी बेटी को डोला दे दो। अरे अरे भोसड़ी के हम दे देंगे, तुम भी दोगे। हम कहते हैं लेकर क्या लड़की को विदा करो। अरे हम भोसड़ी कहते लेकर आओ विदा करो। ऐसा गाली करोगे कि मैं जो कहता हूँ करोगे। आपका हुकुम जाने करोगे। देखिए अपनी खुआरी मत करा सूरज, वरना साले जान से मार दूंगा इसी वक्त। अब दे बेकर डोली विदा करी। अरे तो भौरी थोड़ा कुरवा था, गौनी तो लेत है। दरबार बुलाओ जल्दी से लेके आओ। चिट्ठी से मिलने के कारण उदराज की दशा हुई है और हमारी कोई लाभ नहीं है। लाभ ना होना दे, तुम्हारे कोई लाभ ना है। अरे तो सरिया तो ले और भैया मित्र लखन जाओ, तुम्हारा गौना तो मैंने करा दिया है और मैं वापस देश राजगीर को जा रहा हूँ। और जो तुम्हारे ऊपर संकट मुसीबत कोई भी प्रकार की आए तो जरूर से ले। भैया कहाँ गए, ले जाओ गौनू ले लो, बाबा ने उता खा जाया हुआ है। ठीक है, देश तो हमारा ड्रामा यहीं पे खत्म हो गया और मौसी की कसम हमने खाया था वो पूरी हो गई है।